जगद्गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूजित द्वारका शारदा पीठाश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का छिंदवाड़ा जिले के चौरई नगर में प्रथम आगमन हुआ। भक्त श्रद्धालुओं द्वारा स्वामी जी का भव्य स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि स्वामी जी चौरई होते हुए सिवनी जिले के जाम ग्राम में नव निर्मित मंदिर में माता की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिसकी जानकारी लगते ही क्षेत्र के भक्तों द्वारा बाईपास में स्वागत कर स्वामी जी की अगवानी की गई एवं आगे बढ़ते हुए हिंगलाज सेना एवं सुदर्शन मंदिर प्रमुख केशव तिवारी के निवास पर स्वागत कर आरती वंदना करते हुए श्री चरणों में नमन किया गया। इसी क्रम में चौरई विधायक सुजीत सिंह चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष नवीन पटेल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष वैजू वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस परिवार के द्वारा स्वामी जी चरण वंदना की गई। तत्पश्चात क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे के निवास पर स्वामी जी का स्वागत अभिनंदन पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए सनातनियों को धर्म के मार्ग पर चलने एवं हिंदुत्व धर्म की रक्षा करने का संदेश दिया। हिंदू है तो हिंदुत्व की रक्षा करो, आएंगे हम खबर करना। पहले मुहूर्त देखना पड़ता है जी, प्रतिष्ठा का मुहूर्त कब है जी, मुहूर्त के अनुसार ही काम होता है। धर्म में जागृति आई है जी, बहुत चेतना आई है जी। जगह जगह देखो आप मंदिरों में कितनी भीड़ होती है जी, पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी बात है, जागृति आई है। लेकिन अपने लोगों को और प्रयास करना है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। चौरई क्षेत्र के लिए, चौरई नगर के लिए यह गौरव का विषय है कि स्वामी शंकराचार्य जी का प्रथम आगमन छिंदवाड़ा के साथ चौरई नगर में हुआ है। चौरई नगर की जनता की ओर से स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कुंभ कोटि से वंदन नमन प्रणाम करते हैं। उनका इसी प्रकार का इसने आशीर्वाद इस क्षेत्र को और नगर को प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा शंकराचार्य जी भगवान के चरणों में हम लोग करते हैं। चौरई से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।